24 देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त देर रात राम दरबार की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं पीसीआर शुगर वन और एक कार चालक जिसमें आकाश बकरा नाम युवक सवार था और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। पूरा मामला हुआ क्या और तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस की कई गाड़ियां पहुंच चुकी है और सेक्टर 31 के जो इंचार्ज है वो भी पहुंच चुके हैं, जो नाइट इंचार्ज है आईओ मौके पहुंच चुके हैं। अब देख सकते हैं तस्वीरों में दोनों तरफ से शिकायत ले ली गई है। हालांकि कार चालक जो आकाश बकरा है उससे भी शिकायत ले ली गई और कांस्टेबल जो पीसीआर शुगर वन से कांस्टेबल अशोक है उनसे भी शिकायत ले ली गई है। अब पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे, आखिर पूरा मामला क्या है या किस बात को लेकर विवाद हुआ, क्या इनकी कोई पुरानी रंजिश थी या नहीं। हालांकि यहां पर लगे तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ, अब तस्वीरें आपके सामने हैं जो देख रहे हैं तस्वीरों में सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं और मौके पर पुलिस के कई अधिकारी पहुंचे हुए हैं। शिकायत तो देख सकते हैं यहाँ पर कांस्टेबल अशोक अशोक जी हालांकि कांस्टेबल अशोक से हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की। अशोक जी बता सकते हैं, कांस्टेबल अशोक से जानकारी जुटाने की कोशिश की जो शुक्रवार पे रहा था, हालांकि उनके ड्राइवर भी साथ है। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम धर्मवीर है जी। धर्मवीर जी क्या मामला था अभी अशोक को जानकारी जुटाई? अशोक से पूरा मेट्रो को पता है, मेरे को नहीं पता। आप साथ नहीं थे? साथ था मैं पूरा मेट्रो। हालांकि ये शुगर वन गाड़ी है, इन पे जो जानकारी जुटाने की कोशिश की और एक गाड़ी और पीछे है पीसीआर की, तो अशोक से हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की। अशोक ने ऑन द कैमरा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अशोक जी बता सकते हैं कुछ? फिलहाल अशोक से जानकारी जुटाने की कोशिश की, अशोक ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तस्वीरें आपके सामने, गाड़ी नंबर देख रहे हैं CH01GA6406, तस्वीरें आपके सामने हैं। अब देखने वाली बात होगी पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या निकल कर सामने आता है। शिकायत दोनों से पुलिस ने ले ली है और यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है मौके की तस्वीरें। आखिर पूरा विवाद क्या था, इनकी पुरानी रंजिश क्या थी, ये एक जांच का विषय है। तो जैसे कि हमने कांस्टेबल अशोक से जानकारी जुटाने की कोशिश की आखिर पूरा मामला क्या था, जैसे ये मामला सामने आया कि गाड़ी का पीछा कर रहा था आकाश बकरा। आकाश बकरा हमारे साथ है, उसका परिवार वाले हमारे साथ है। आकाश, आप उसकी गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे थे? कि मैं घर से राशन के लिए, मैं और मेरी वाइफ राशन के लिए सामान लेने निकले थे घर का, तो मैं मार्केट जाने लगा तो मैंने एक शॉप से सामान लिया, फिर मैं मार्केट जाने लगा सीधा, तो मुझे नहीं पता था ये पीसीआर में कौन है कौन नहीं है, तो मैं मार्केट गाड़ी से मार्केट जाने लगा तो ये पीसीआर वाले ने मेरे साथ गाड़ी लगा ली, तो मेरे को इशारा करने लगा गाड़ी रोक रोक रोक, तो मेरे को इशारा करने लगा रोक रोक रोक, मैंने गाड़ी रोकी नहीं। तो और कह रहा था उसने गाड़ी नहीं लगाई, आपने गाड़ी उसके पीछे लगाई है, पीछे लगे आए हैं। फुटेज लगी हुई है, आप हमारे वहां से कैमरे की वीडियो निकलवा लेना। अच्छा हाँ जी, तो लेकिन क्या पुराना विवाद क्या है? लेकिन वो कह रहा है पुरानी रंजिश भी चल रही है उनसे कि उन्होंने पहले भी मेरे हस्बैंड को एनडीपीएस केस में फंसवा दिया था, तो वो दोबारा इस चीज का चाहते हैं कि हम इसको फंसवाएं, इनको धमकियां देते हैं, कहीं भी मिलते हैं तो इनको हर चीज की धमकियां देते हैं। तो उसकी शिकायत पहले भी है? हाँ जी, पहले भी शिकायत की हुई है हमने उनकी। जैसे उन्होंने कहा कि आकाश ने उसके पीसीआर का पीछा किया, तब जाके उन्होंने कॉल भी की 112 पे। 112 पे कॉल पहले मैंने की थी, मेरे पास डिटेल भी है कॉल की। अभी पुलिस को शिकायत में आपने क्या दिया? हमने यही लिखा है कि क्या बोलते हैं, हमारे को धमकी दे रहे थे ये, हमारे पीछे आ रहे थे और ऐसे ऐसे इशारा भी कर रहे थे हमारे साथ पैसों का, इतनी बात लिखी है। तो पहले भी दो तीन बार उन्होंने दो तीन बार पहले मेरे को मिला है ये पुलिस वाला, इसने मेरे को टॉर्चर करा भी, तू फैसले वो कि तू ये वो अगर पैसे दे कि तू फैसला करेगा नहीं, किस चीज के पैसे किस चीज के? पहले रंजिश चल रही है, पहले रंजिश चल रही है। इन्होंने मेरे को एनडीपीएस केस में फंसाया था, पहले भी इन्होंने मेरे को एनडीपीएस केस में फंसाया था, तो मेरी बेल हो गई थी। ऐसा तो नहीं आप इन्होंने पहले मुझको एनडीपीएस केस में फंसाया था इन्होंने मेरे को पहले, उस केस का क्या हुआ अभी? वो केस अभी हमारा कोर्ट में चल रहा है, उनके साथ ये कंप्लेंट भी लगी हुई है, अशोक और की कंप्लेंट भी लगी हुई है। लेकिन आज तुम लोग राम दरबार क्या करने गए थे और तुम रहते कहां?
हम जीरकपुर रहते हैं, अपने घर का राशन लेने गए थे तो हम कुछ चीज भूल गए थे, इसलिए हम दोबारा मार्केट में आए थे तो देखा हमारे को पता नहीं था पुलिस है पीसीआर में कौन है कौन नहीं है। तो अशोक जो कॉन्स्टेबल है वो हमारे को घूरने लग गया, तो मेरे हस्बैंड भी घूरने लग गए एक दूसरे को, क्योंकि इनकी पुरानी रंजिश होगी कोई, ठीक है, एनडीपीएस में उसने हमारे को फंसा दिया था, पहले भी मेरे हस्बैंड को फंसाया उन्होंने, तो उसी चीज को लेके इनकी कोई रंजिश चल रही है। तो वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगे, वो फिर पीसीआर से बाहर आए तो मेरे हस्बैंड को बोलते तू मेरा क्या करेगा, वहां पर फुटेज भी लगे हुए थे तो वहां से कैमरे की फुटेज निकलवा सकते हैं। तो जैसे इन्होंने दावा किया है कि उसे एनडीपीएस में फंसाया गया था, लेकिन उसे एनडीपीएस में जो आकाश बकरे को फंसाया गया था या नहीं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आज का जो विवाद है ये अपना राशन लेने गए थे, उसी तरह जो अशोक कांस्टेबल पीसीआर सुगरवन में तैनात है वो भी एक लड़ाई झगड़े के सपोर्ट पर गया था, जिसके बाद इनकी गाड़ियां आगे पीछे हुई और आपस में विवाद हो गया। मौके पर पुलिस के कई अधिकारी पहुंच चुके थे और जो कत्ती थाना के जांच अधिकारी मौके पहुंच चुके थे, और देर रात का समय होने के चक्कर में क्योंकि लेडीज को नहीं बुला सकते सुबह का टाइम दे दिया गया, लेकिन अब देखने बात बड़ी बात होगी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर सामने आता है।